हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हे मुंबई। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब सही हो। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अमेजोन ब्यूटी हॉल, जिसमें मैं ज्वेलरी भी थोड़ा इंक्लूड कर दी हूँ। तो ये ब्यूटी हॉल होने वाला है जिसमें ब्यूटी आइटम्स रहेंगे, स्किन केयर रहेंगे और थोड़ी सी, जैसे मैंने बताया, ज्वेलरी आइटम्स भी रहेगी। तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ, अगर आपको थोड़े भी अच्छे लगते हो, अगर आपको परचेज करना है, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी, आप इजिली वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया अमेजोन से, वो है द बॉडी केयर का क्लेंजिंग मिल्क। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड परचेस है। इसके पहले मैंने छोटी बॉटल मंगाई थी, बहुत ही अच्छा काम करता है, तो मैंने सोचा इसका बड़ा वाला बॉटल अभी मंगाया जाए। तो ये मैंने मंगाया 189 रुपीज़ में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। और क्लेंजिंग मिल्क बहुत ही अच्छा होता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने फेस में से इम्प्योरिटीज़, मेकअप और अपना चेहरा हाइड्रेट, ग्लोई और फ्रेश लुक लाने के लिए। आप इसे सिंपली सिर्फ अप्लाई करना है और सर्कुलर मोशन में 2 से 3 मिनट मसाज करना है। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है अपना फेस और अराउंड नेक एरिया। तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आपको चाहिए कोई बढ़िया क्लेंजिंग मिल्क, और बात मानिए, ये मोस्ट ऑफ द सैलॉन में भी यूज़ होता है, तो वहाँ से ही मैंने एक्चुअली ये आइडिया लिया था कि मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, देखूँ कि मुझ पर कैसा काम करता है। और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो अगर आपको ये परचेस करना है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, आप इजीली इसे परचेस कर सकते हो। ये आता है 400 ml में, जैसे मैंने इसकी प्राइस बताई 184 रुपीज़ में आता है। और 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसका ये रहता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने परचेज़ किया है, वो है अगेन बॉडी केयर का एलोवेरा क्रीम। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरा क्लीनअप के लिए जो जो आइटम मुझे चाहिए थी, जो मैं पहले से यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने सोचा इस बार मैं वापस वो रीस्टॉक कर लूँ, क्योंकि मेरा वो स्टॉक ख़त्म होने आया था। तो ये है एलोवेरा क्रीम। एलोवेरा क्रीम भी बहुत अच्छे, इसे आप ईजिली आपके फेस पर मसाज कर सकते हो 4 to 5 मिनट्स। आपका चेहरा बहुत ही ग्लोई, एकदम नरिशिंग, हाइड्रेटिंग फील देगा। तो इस तरह का ये काम करता है। इसका जो भी आप जैसे यूज़ करना है ना, पूरा इसका जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा, आपको पूरा पीछे देखने मिल जाएगा। 100 ग्राम की क्रीम है, वो आपको मिलेगी 99 रुपीज़ में। तो बहुत ही बढ़िया प्राइस है, बहुत ही रिजनेबल है। और अगेन मैं बोलूँगी, ये प्रोडक्ट सब मैंने देखे थे सैलॉन में यूज़ करते, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। एलोवेरा है, अगेन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है, वो है द बॉडी केयर का एलोवेरा फेस पैक। फेस पैक भी हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, जो थकान होती है, स्ट्रेस होता है, जो ग्लोइनेस हमारी निकल जाती है, उसके लिए हमें ये ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये मेरा, जैसे मैंने बोला, अगेन मैंने ये वापस से मंगाया, बहुत अच्छे से काम करता है। ये एलोवेरा है, आपको पता है एलोवेरा स्किन के लिए अगेन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये भी मुझे कुछ 99 रुपीज़ में मिला है, बहुत ही बढ़िया है ये। आपको क्या करना है, आपको ये अप्लाई करना है, और जब तक ये सूख नहीं जाता, वैसे अपने स्किन पे रहने देना है। जब जैसे सूख जाता है, इसे अपने नॉर्मली वाटर से आपको वॉश कर लेना है। ये देखो, यहाँ पे लिखा भी है, ये आपके स्किन को स्मूदर, सिल्की, सॉफ्ट बनाता है और रिस्टोर करता है लॉन्ग लास्टिंग नेचुरल फ्रेशनेस। तो ये बहुत ही बढ़िया है, अगर आपको ट्राई देना है, आप ज़रूर ट्राई दे सकते हो, क्योंकि मैं इसे ट्राई कर चुकी हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। एक जो मैंने प्रोडक्ट परचेस किया है, वो है अगेन एलोवेरा का फेशियल स्क्रब, जो बॉडी केयर ब्रांड से है। अगेन बॉडी केयर ब्रांड बहुत ही अच्छा ब्रांड है। तो ये 100 ग्राम का स्क्रब है और मुझे मिला है 119 रुपीज़ में। अगेन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ही बढ़िया प्राइस में आपको ये वाला मिल रहा है। तो आप ज़रूर से ज़रूर ये भी ट्राई कर सकते हो। स्क्रब भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ज़रूर से ज़रूर हफ्ते में एक बार तो हमें स्क्रब करना चाहिए, या तो 2 हफ्ते में 1 बार स्क्रब करना चाहिए हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है, वो लैक्मे सन एक्सपर्ट SPF 40 UVB। तो ये स्पेशली अभी जो गर्मी का मौसम है, समर सीजन है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि इसमें SPF 40 है, तो इसीलिए मैंने ये कॉम्पैक्ट परचेस किया है। और मैट लुक आता है, जबकि हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन ऑयली हो जाती है धूप के कारण, पॉल्यूशन के कारण, जो भी बाहर एटमोसफियर रहता है, तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा, इसीलिए मैंने इसे परचेस किया। और इसकी प्राइस है 184 रुपीज़, और बहुत बढ़िया है। आपको मैं दिखा देती हूँ ये कैसा दिखेगा। ये कुछ इस तरह का इसका पैकेट होने वाला है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का एक ये पफ मिलेगा, और यहाँ पे आपका है कॉम्पैक्ट। स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, तो
और सबसे अच्छी बात है 184 रुपीज में आपको मिल रहा है यहाँ पे मिरर, तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट की बात करूँगी, ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, स्पेशली जिसे डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प का इशू है, तो ये है हेयर स्कैल्प मसाजर शैम्पू ब्रश। मतलब इससे जैसे ये प्रोडक्ट है इसका, इस पर आप शैम्पू डाल सकते हो और इसे ईजिली आपके स्कैल्प पे मसाज कर सकते हो। तो ड्राई स्कैल्प है, डैंड्रफ का इशू है, तो ये सब प्रॉब्लम को हटाने के लिए ये बहुत ही काम का है। और जैसे आप ये ब्रिसल देख रहे हो, ये सिलिकॉन ब्रिसल है, बहुत ही बढ़िया है, सॉफ्ट है, आपको मतलब हार्शली, मतलब आपको लगेगा ये बहुत हार्श आपके स्कैल्प पे काम करेगा, आप कहीं गंजे तो नहीं हो जाओगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बढ़िया है इसका। ये जो सिलिकॉन मटेरियल दिया है वो आप इजीली यूज़ कर सकते हो, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए, इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, रिव्यू भी मैंने देखा था इसका, इसका रिव्यू भी बहुत बढ़िया है। तो ये आया है मुझे कुछ 299 रुपीज़ में, ये 299 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको रोज़ हेयर स्कैल्प मसाजर शैम्पू ब्रश। तो नेक्स्ट मैंने प्रोडक्ट जो परचेस किया है वो है डर्मा रोलर, कौन से ब्रांड का, डेओन्स का डर्मा रोलर है, ये काफ़ी फेमस है, अमेजोन पे आप देखोगे बहुत अच्छा अच्छा रिव्यू आपको इसका देखने मिल जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे एक बार ट्राई करूँ। तो ये क्या होता है पता, ये बहुत अच्छे से काम करता है स्किन टाइटन करने के लिए, एंटी एजिंग स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, जैसे आपको ब्लैक हेड्स है, स्किन सॉफ्ट करनी है, ग्लोई करनी है, तो ये सब उस तरह का पूरा काम करेगा। इसमें जो भी है पूरा यहाँ पे लिखा है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, फ्रेंकली मुझे ये यूज़ करना है इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया है। तो आपको भी कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मंगाना है, आप ज़रूर रिव्यू देख सकते हो इसका और फिर परचेस कर सकते हो। ये आया है मुझे 285 रुपीज़ में, बहुत ही मतलब अगर बोलूँ तो बजट फ्रेंडली ही प्रोडक्ट है स्किन के लिए, अगर स्किन के लिए आप इतना भी नहीं खर्चा करोगे तो किसके लिए करोगे। तो ये इस तरह की आपको कुछ पैकेजिंग मिलेगी, आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल पैकेजिंग है और आपको अंदर प्रोडक्ट ये इस तरह का मिलेगा। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, पर यहाँ पे आपको छोटे छोटे नीडल्स होते हैं ना वो मिल जाएंगे, तो आप ऐसे मतलब इसे मसाज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मैंने ट्राई नहीं किया, आप अगर चाहते हो कि इसका रिव्यू मैं बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, तो मैं इसका रिव्यू भी बना दूँगी। तो ये था मेरा परचेस और ये मिलने वाला है 285 रुपीस में। अगेन मैं बोलूँगी जितने भी प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट इस बार मैं लेके आई हूँ और बहुत सारे प्रोडक्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है वो है शुगर का लिक्विड लिपस्टिक, बहुत ही बढ़िया लिपस्टिक है, बहुत ही मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली लिपस्टिक है, मैंने काफ़ी सुना इसके बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करूँ। तो मैंने ये मंगाया है, इसकी प्राइस है 800 रुपीज़, इसमें आपको 4 मिनी लिपस्टिक लिक्विड लिपस्टिक मिलेगी, कौन सी है पता, ये आपको शुगर स्मज मी नॉट लिक्विड मिनी लिपस्टिक, ये आएगी आपको 800 रुपीज़ में। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था पर मुझे ट्राई करना था इसीलिए मैंने ये परचेज़ की। इसमें आपको मैंने ये न्यूड वाला लिया है, आप देख सकते हो कि आपको 4 ब्यूटीफुल शेड दिखने मिल जाएंगे, पर मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा भी डार्कर शेड के हो, मतलब मेरे जैसे, तो आप में से ये 2 शेड कुछ मुझे नहीं लगता ये काम में आने वाले, क्योंकि मुझे भी ये 2 शेड अच्छे नहीं लगे। बाकी मैं अगर ये वाले शेड की बात करूँ और ये पिंक वाले शेड की बात करूँ, दोनों शेड अच्छे हैं, पर ये दोनों शेड मेरे मुझे लगता है कुछ काम में नहीं आने वाले। ये शेड मुझे लगता है ज़्यादा करके फेयर जो स्किन टोन है जिस पे, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी ज्वेलरी के, और जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में मैंने कुछ ज्वेलरी भी परचेस की है, तो सबसे पहला जो ज्वेलरी मैं बताने वाली हूँ वो है येलो चाइम्स की, और से आप देख सकते हो येलो चाइम्स का मैंने मंगाया है ब्यूटीफुल नेक पीस और इयररिंग सेट, आपको ये सेट देखने मिल जाएगा और ये होने वाला है ऑक्सीडाइज। आपको पता है ऑक्सीडाइज मुझे ज्वेलरी पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो सबसे पहला जो मैंने परचेस किया ये वाला, वाओ आप ये देख सकते हो, अगर मैं इससे ऐसे पहनूंगी तो कितना अच्छा लुक आएगा, तो ये वाला मैंने परचेस किया है। होप आपको डिज़ाइन दिख रही है, आप ये देख सकते हो बहुत ही बढ़िया और काफ़ी भरा भरा लुक आ रहा है। और इसके क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये मैंने कुछ परचेस किया है 400 रुपीज़ में, मैं आपके इसकी इयररिंग भी दिखा देती हूँ कैसी दिखने वाली है। ये है इसकी इयररिंग, इयररिंग मतलब उतनी कुछ खास नहीं है, ठीक है, मतलब लोकल मिल जाती है ऐसी इयररिंग, पर इसका जो नेक पीस है वो काफ़ी अच्छा है, तो ये अगर आपको परचेस करना है तो आप ये भी परचेस कर सकते हो। क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी बहुत ही मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कुछ आपने चीप क्वालिटी की आइटम मंगाई है, हैवी है पीस, काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है ना, इन लोग की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी रहती है, सोचो इतना गले का सेट और ये इतने बड़े बॉक्स में,
बहुत ही अच्छी है, 400 rupees में ओनली। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट की मैं बात करूंगी वो है अगेन ज्वेलरी पीस जो मैंने यहाँ पे वेयर किया है, ये भी येलो चाइम्स का है। इसका भी प्रोडक्ट का जितना भी लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने अराउंड 350 rupees में परचेस किया है। ये चोकर नेकलेस होने वाला, आप देख सकते हो चोकर नेकलेस है। यहाँ पे बीच में आपको फ्लावर देखने मिल जाता है और उसमें आपको ब्लैक कलर का ये स्टोन देखने मिल जाता है। और इयरिंग की बात करूँ तो अगेन फ्लावर आपको इयरिंग देखने मिल जाएगी 350 rupees में। बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने जितने भी आइटम आपको दिखाया आपको अच्छे लगे हो। सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपको कुछ परचेस करना है आप इजीली परचेस कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी कमेंट और सजेशन रहेगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर भेजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, till then bye bye।